तो मैं इस रोड को मतलब इतना प्यार करता हूँ ना, इतना प्यार करता हूँ ये। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे बाइक चलाने को, यहाँ पे बैठने को मेरे को बहुत मज़ा आता है। रिस्क यहाँ पे स्लिप होती है, पीछे वाला टायर इतना भागता है, पूछे मत। ओ भाई साहब, पीछे वाला टायर क्या भागा। हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तकरीबन बज रहे तकरीबन 1:30। तो खाना तो मुझे खैर को खाता नहीं हूँ, तो सुबह से मैं उठ के आराम से मतलब एडिटिंग थोड़ा बोला करना था, बाकी बाइक भी स्टार्ट है, हम निकल रहे एक मस्ती राइड पे। वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा देखना। तो अब चलते हैं। तो फिलहाल हम एक अलग सी जगह से जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ से जाएंगे आज। यहाँ से बहुत खतरनाक सड़क है और गीली गीली भी है सड़क, तो यहाँ से आराम से बाइक चलानी पड़ेगी। अब देखेंगे आगे आगे क्या सड़क है। यहाँ से मैं आया हूँ बहुत बार, लेकिन मजा आया ऐसे बहुत। ओ भाई साहब, देख सकते हैं क्या गीली सड़क है, यहाँ से बहुत मुश्किल है बाइक चलाना। ओ भाई साहब, यहाँ से आप नीचे उतरना है और वहां से आप देखना आगे सड़क क्या होगी। पीछे से मेरे शायद जो बैक लाइट है वो थोड़ा लूज है, वो हिलती है। यहाँ से बहुत मजा आता है, लेकिन यहाँ से एक तो आप अपना टायर खराब कर देंगे और स्लिप होने का भी खतरा है। ओ, धीरे ही चलना है, धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे चलने से नहीं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देख सकते हैं आप, सड़क गीली और वहां पे इतनी मुश्किल है बाइक चलाना। बाइक ही बंद हो गई यार, बाइक ही बंद हो गई। बाइक क्यों बंद हो गई? रुको, स्टार्ट करते हैं पहले। स्टार्ट करता हूँ मैं बाइक पहले। नहीं, गियर में है, मेरे को इस टाइम समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रिस्की सड़क है। ऑफ रोड भी, ऑफ रोडिंग में भी यहाँ से मजा आएगा, लेकिन रिस्क यहाँ पे स्लिप होती है, पीछे वाला टायर इतना भागता है, पूछे मत। ओ भाई साहब, पीछे वाला टायर क्या भागा। ओ भाई साहब, नहीं, पीछे वाला टायर भाग मतलब स्लिप हो रहा है। मजा आ रहा है ऑफ रोडिंग में, लेकिन लेकिन अगर थोड़ी सी भी लगी इस टाइम, ठंड है ऊपर से इतनी लगेगी, क्या बताऊं। ये मतलब खाई में उतरना हो गया। यहाँ से थोड़ी ठीक है सड़क, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से ठीक है सड़क, लेकिन तो भी आहिस्ता ही चलानी है भाई। देखेंगे आज कहाँ जाएंगे, फिलहाल तो ऐसे कोई प्लान नहीं होता है। मैं थोड़ी ना कोई स्क्रिप्ट बना के निकलता हूँ, जहाँ मतलब निकलता हूँ फिर देखता हूँ, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पहुँचेंगे। मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। तो होप आपको भी बहुत मज़ा आता होगा, और आप कमेंट भी किया करो, मज़ा आता है नहीं आता है, बोर होते हो कमेंट किया करो यार, वैसे ही पता चलता है कि मतलब इंसान ठीक कर रहा है गलत कर रहा है। देखिए ऑफ रोड क्या हो रहा है यहाँ पे, एकदम ओपी मज़ा। तो देखते कहाँ जाएंगे आज। वैसे तो सिद्धरा 2.0 हम रोज जाते हैं, अस्तन मार्ग हम एक दो बार गए, अब देखते हैं आज कहाँ जाएंगे। चलते हैं फिलहाल। तो फिलहाल हूँ मैं अपने 2.0 के 2.0 पे, मतलब यहीं से मैं आया था वहाँ से। तो मैं इस रोड को मतलब इतना प्यार करता हूँ ना, इतना प्यार करता हूँ, ये बहुत अच्छी रोड है।
तो फिलहाल मेरे को ना यहाँ मतलब अलग ही फील आता है, मतलब सिदरा रोड जैसा है, मेरे को सिदरा रोड से भी बहुत प्यार है। लेकिन ये जो 2.0 मैंने मतलब बोला है, इसको 2.0 का नाम दिया है, मेरे को इससे भी बहुत प्यार है। तो यहाँ पे मतलब बैठ मतलब यहाँ पे बाइक चलाने को, यहाँ पे बैठने को मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो क्या ही बोले, मतलब ये फील होती है, एक इमोशन होता है, बाइक मेरे लिए इमोशन है, ये रोड इमोशन है। तो कुछ लोग ना मतलब व्लॉग मतलब यूट्यूब से पैसे जब कमाते हैं तो वो कुछ ऐसी चीज़ों में खर्च करते हैं, कपड़े लाते हैं, जूते लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन मतलब ऊपर वाले के कर्म से अगर मतलब मैं मतलब यूट्यूब से मतलब अर्निंग हुई मेरी, तो सब कुछ वेस्ट नहीं, मतलब किसके लिए होगा, एक तो बाइक के लिए, एक तो मतलब आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको दिखाने के लिए होगा। तो देखते आगे कहाँ जाएंगे, वैसे तो गाड़ी चलना चाहिए, देखते आगे भी आपको अगर कुछ होगा दिखाने के लिए तो आपको दिखाएंगे। तो मैं निकल गया हूँ वापस, मैं कुछ देर बैठा था यहाँ पे ऐसे ही, अब क्या ही मतलब और करना है, मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं। लेकिन मैं व्लॉग डालता रहूँगा, पढ़ता भी हूँ बीच बीच में, तो 11th में मैं पढ़ता हूँ, देखते आगे मतलब हमारा तो अभी डेट शीट नहीं निकला है, 10th का निकला और 12th का निकला, तो देखेंगे मतलब देखेंगे कब होगा हमारा एग्जाम इस हिसाब से। तो अब मैं सीधे घर जाऊंगा, सनसेट भी हो रहा है, काफ़ी टाइम लग, तकरीबन 3-4 घंटा तो मैं घर से निकलता हूँ, 3-5 घंटा ऑलमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा। तो मैं सीधे घर जाता हूँ, इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, टिल देन बाय 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 बाय। I've been getting out of bed these past few days.